नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी F04 मोबाइल में डेट एंड टाइम को सही कैसे किया था। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर टाइमिंग देख रहे हो, 24 आवर्स में इसको आपको 12 घंटे में करना है, तो कैसे करोगे? तो दोस्तों टाइम को सही करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको अपना यहाँ से सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे तो आपके यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा जनरल मैनेजमेंट का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ से आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा डेट एंड टाइम का, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सबसे नीचे आपको ऑप्शन रहेगा यूज 24 आवर्स फॉर्मेट, इसके सामने टिक इनेबल है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जो टाइमिंग है वो 24 आवर्स में दिखा रहा है, 24 घंटे को दिखा रहा है। तो आपको करना क्या है, ये टिक डिसेबल करना है। जैसे डिसेबल कर दोगे आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 12 घंटे में हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। अब दोस्तों आपको एक और यहाँ पे सेटिंग इनेबल करना है, ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम। इसके सामने अगर टिक अगर डिसेबल है तो इस टिक को इनेबल कर देना। इस टिक को इनेबल करने से आपके मोबाइल का टाइमिंग जो है वो ऑटोमेटिक सेट होता रहेगा, कभी भी सेट नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप सैमसंग गैलेक्सी F04 मोबाइल में डेट एंड टाइम को सही कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।